close till I get up. Time is barely on our side. Good morning everyone, I am Anirudh Kumar Maurya. आज आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, क्लास सेवन्थ में एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, उसी में क्वेश्चन नंबर हम 6 बताएंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बड़ा है देख करके आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा होने से कुछ नहीं होता, मेन चीज़ है कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। गर्मी बहुत लग रही है लेकिन कोई नहीं, ठीक है। ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी क्या है, एक एनवायरनमेंट डे के दिन स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए, एक स्कूल ए है दूसरा स्कूल बी है, ठीक है, उनको पेड़ लगाने को मिले थे, ठीक। एक स्कूल ए है दूसरा स्कूल बी है, पहले वाला जो स्कूल है, स्कूल ए प्लांटेड 615 प्लांट्स, तो जो पहला स्कूल है वो कितने प्लांट लगा रहा है, 615। बाकी जो बचे हुए होंगे वो कौन लगाएगा, वो स्कूल बी लगाएगा, ठीक है, जो बचे हुए प्लांट होंगे। और फिर क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो कितने हैं, 1050, यानी 1050 प्लांट टोटल है, उसमें से जो स्कूल ए है वो 615 लगा रहा है, तो बाकी जो बचे हुए होंगे वो कौन लगाएगा, स्कूल बी लगाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन, नंबर ऑफ प्लांट्स इन स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए, तो नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स इन स्कूल, इन नंबर ऑफ प्लांट्स इन स्कूल ए, स्टूडेंट नंबर ऑफ प्लांट्स इन स्कूल, इन स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए, कितने नंबर ऑफ प्लांट्स, तो 650, 615 लगा रहा है। दूसरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, ये भी लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बोथ स्कूल ए एंड बी, ठीक, ए एंड बी, ये कितने हैं, तो 1050, 1050, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बोथ स्कूल ए एंड बी कितने हैं, 1050 प्लांट्स, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हम निकाल लेते हैं जो बचे हुए, स्कूल बी कितना लगा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स इन स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी, कैसे करेंगे, टोटल प्लांट्स कितने थे, 1050 माइनस कितना करेंगे, 650 से माइनस करेंगे 650, तो कितना बचेगा, माइनस करिए ना, 0 से 10 5 जाएगा, नहीं जाएगा, बोरो के तो कितना हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा, तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ बचा 4 से 1 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ पे कितना बचा, 9, और 9 से 9 ही बचा ना, बोलो 9 बचेगा, नहीं भाई 10 बचा, 10 से 6 जाएगा तो ये बचा 4, तो यानी इतने प्लांट्स बी द्वारा लगाए जाएंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, अभी इसी में और क्या है, अभी हमको निकालना, ये तो निकल करके आया, नंबर ऑफ प्लांट्स इन स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी, बी के द्वारा लगाए गए प्लांट्स इतने होंगे, 435 प्लांट्स। अब हमको निकालना है रेशियो, क्या निकालना है, रेशियो इक्वल टू किसका निकालना है, तो प्लांट्स ऑफ स्कूल ए और इधर क्या हो जाएगा, प्लांट्स ऑफ स्कूल बी, ठीक है। तो जरा देखिए कितना है, ऊपर हमारा तो ये हो जाएगा 615, और बी कितना है, तो 435, ठीक, ये इतना है। अब इसको हम काटेंगे फिटेंगे, ठीक, और जब कटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 5 से इसको कट कर सकते हैं, तो 5 हो जा
फाइव कितना बचा, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, इधर आ जाते हैं, फाइव बढ़ जा फोर्टी और फाइव फाइव सेवन जा थर्टी फाइव। अब फिर से इसको कट करिए, किससे कट करेंगे, थ्री से, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन। तो ये जो हमारा रेशियो निकल करके आया वो क्या आ गया, तो रेशियो इज इक्वल टू आ गया 41:29, 41:29, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा था लेकिन है इजी, आप उस चीज़ को समझोगे तो कर ले जाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेकर के चलेंगे, एक क्वेश्चन और बताएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद में, देखते हैं कौन सा बताने लायक है, क्वेश्चन नंबर सेवन बताएंगे, ठीक है। आप लोग करो उनको अच्छे से, जब तक करोगे नहीं समझ नहीं पाओगे, तभी प्रॉब्लम्स आएंगे। बार बार इनको प्रैक्टिस करिए और वीडियो को बार बार रिपीट कर करके देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। वीडियो को बार बार रिपीट करो, पॉज करो बीच में, फिर उसको समझो, फिर आगे कंटिन्यू करो, तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तभी कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं सेवन, सेवन में क्या है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कितना है, फाइंड ए, इफ इफ बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 15 और सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 14, ठीक। बी और सी की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, बी और सी की वैल्यू दे रखा है। अब इसके लिए हमने आपको बताया था एक फार्मूला होता है, वो हम आपको लेकर के चलेंगे। तो इसको मान लीजिए ए रेशियो बी, रेशियो बी यानी सी, ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन, बीच में प्रोपोर्शन का साइन हो जाएगा। ए हमको पता नहीं, ए ही निकालना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, चाहे तो आप इसको एक्स भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं, हमने ए को ए ही छोड़ दिया यहाँ पे। और बी की वैल्यू देखो दे रखी, कितनी दे रखी, 15, प्रोपोर्शन 15, और ये क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू दे रखी है 14। तो यहाँ पे हम ये चीज़ समझेंगे क्या होता है, ये और ये, इन दोनों को समझिए, ये क्या है, अंदर वाले हैं फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक। इसके लिए फार्मूला आपको हमने बताया था क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का मतलब बाहर वाले, बाहर बाहर, तो बाहर ये बाहर ये, तो ए इंटू 40, अब इधर क्या है, ये 15 इंटू 15 हो जाएगा। अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 40, ठीक है। अब इसको क्या करिए, काटिए पीटिए, 58 जा 40 और 53 जा 15, अब देखिए कितना आ गया, तो जो a इज इक्वल टू आएगा, तो 15 की और 3 की मल्टीप्लाई करा दी 14, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 अपॉन 8, ठीक। तो जो हमारी a की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 45 अपॉन 8, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।